रुख कर रहे हैं सतना का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है, एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा ही मामला बताया जा रहा है। तो खबर सतना से मिल रही है, जहां एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साहिर खान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिर, अनियंत्रित होकर बस पलट गई है, कैसे हुआ ये सड़क हादसा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत खामा खुर्जा का यह पूरी घटना है, जहां पर कोटी से वो सतना की ओर बस आ रही थी, जो कि अनियंत्रित होकर पलट गई और बस में बैठे यात्रियों में से दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं और यात्रियों की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर घायल बताया जा रहा है, जिन्हें तत्काल वहां पर से एम्बुलेंस वहां पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारी में एसडीएम बलवीर रमन भी मौके पर पहुंचे, जो कि घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जो स्थिति है वो अभी ठीक है और घायलों का इलाज जारी है। जी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।